हेलो एंड वेलकम टू मान्या एजुकेशन। आज के लेसन में हम लोग जानेंगे ईमेल के बारे में। हमारा ये जो लेसन है ये एमपीपीएससी 2020 प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल है और हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यूनिट को कवर कर रहे हैं। आज का लेसन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इससे पहले के जो लेसन हैं उन्हें भी जरूर देखिएगा। तो हम लोग जानते हैं आज कि क्या होता है ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। यह इंटरनेट के उपयोग से मैसेज या चिट्ठी भेजने का माध्यम है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक एक मैसेज पहुंचाना है हमको तो इसके लिए ईमेल का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। आजकल तो हालांकि बहुत सारे नए ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स और नई तकनीक आ गए हैं। किसी को मैसेज पहुंचाना हो तो आप व्हाट्सएप या इस तरह से कोई एक मैसेज भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन ईमेल जो है, ईमेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पूरा प्रोफेशनल टाइप से एक चिट्ठी लिख सकते हैं, उसको फिर आप अटैचमेंट उसमें लगा सकते हैं और फिर उसका रिप्लाई उसी ट्रेल में दिया जा सकता है। इस तरह से पूरा एक व्यवस्थित रूप से ऑफिशियल वर्क जो है वो ईमेल पर किया जा सकता है। तो ये क्या है, इंटरनेट के उपयोग से मैसेज या चिट्ठी भेजने का माध्यम है। इससे हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी भी व्यक्ति को मैसेज तुरंत भेजा जा सकता है। ईमेल के द्वारा फाइल्स भी संलग्न करके भेजी जा सकती है जो कि इसको नॉर्मल एसएमएस या और नॉर्मल मैसेजिंग ऐप से अलग करती है। इसमें फाइल्स जो हैं वो संलग्न कर ली जाती हैं और भेजी जा सकती हैं। ईमेल का उपयोग करने के लिए ईमेल अकाउंट का होना आवश्यक है और ईमेल अकाउंट आप किसी भी ऐसे ईमेल प्रोवाइडर जो वेबसाइट होती हैं उनसे बना सकते हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, याहू हो गया, हॉटमेल हो गया। इनमें आप अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं और ईमेल अकाउंट बनाने के बाद आप ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल के लाभ क्या होते हैं, पहली चीज़ है ये बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे पेड ईमेल्स भी होते हैं जो कंपनीज अपने लिए सब्सक्रिप्शन लेती हैं, उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेती हैं, लेकिन आम जनता के लिए जैसे जीमेल हो गया, जीमेल के लिए अकाउंट बनाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। उसमें ईमेल भेजने के लिए एक निश्चित जब तक आपके आपको स्टोरेज दिया गया वहां तक कोई पैसा नहीं लगता। तो ये एक बिल्कुल फ्री सेवा है। इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है और सरल होता है। किसी को भी ईमेल भेजना है तो कंपोज करना है, सामने वाले का ईमेल आईडी लिखना है जिसको आप भेज रहे हैं, सब्जेक्ट लिखिए और अपना मैसेज टाइप करिए, उसमें कोई फाइल्स अटैच करना है तो करिए और सेंड कर दीजिए। तो बहुत ही ईजी तरीके से ये हो जाता है, मोबाइल से तो आजकल बहुत ही ईजिली हो जाता है, ठीक है। इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, मार्कशीट इत्यादि को भी संलग्न करके आप भेज सकते हैं। आप कोई ऑफिशियल काम कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट भेजनी है तो संलग्न करके भेज दिया, ठीक है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। धन की बचत कुछ यूं है कि आपको कोई टिकट नहीं लगाना है, जैसे पहले हम लोग टिकट लगा के चिट्ठियाँ भेजा करते थे। और समय तो अब आप पहले एक ज़माने में चिट्ठी भेजें अमेरिका तो एक महीने में पहुँचती थी, जब नॉर्मल ऐसे कागज वाली चिट्ठी भेजी जाती थी, लेकिन अब आपको ईमेल भेजना है तो विद इन सेकेंड्स वो ईमेल अमेरिका पहुंच जाती है। तो समय की काफी बचत जो है इससे हो जाती है। ईमेल की कुछ शब्दावली हम लोग समझ लें कि ईमेल किसी को भेजते हैं तो इसमें कुछ इसके जो शब्द हैं जो स्पेसिफिकली ईमेल में ही यूज होते हैं उन वो कौन कौन से हैं, उनकी शब्दावली क्या है। इनबॉक्स का मतलब वह फोल्डर जहां ईमेल प्राप्त होते हैं, ये इनबॉक्स आपको यहां पे मिलेगा ना। और स्टार्ड ईमेल्स वो होते हैं जो कि महत्वपूर्ण ईमेल होते हैं, उसमें स्टार का एक फोटो छोटा सा बना होता है, जैसे यहाँ पे आप जीमेल पे ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है ना, किसी भी ईमेल जो हमको प्राप्त हुआ वहाँ पे स्टार पे क्लिक कर देंगे तो वो स्टार्ड ईमेल हो जाएगा। बाद में उनको आप आराम से यहाँ पे क्लिक करके और सर्च कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण ईमेल स्टार्ड ईमेल होते हैं। आउटबॉक्स यानी भेजा गया परंतु प्राप्त नहीं हुआ है। आउटबॉक्स में वो चिट्ठियाँ होती हैं जो आपने यहाँ से भेज दिया लेकिन सामने वाले को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। ड्राफ्ट होते हैं पत्र का प्रारूप। आप पत्र का प्रारूप बना के और उसे ड्राफ्ट के रूप में सेव करके भी रख सकते हैं, बाद में मेल कर सकते हैं। सेंट आइटम्स, भेजा गया पत्र जो रिसीव हो चुके हैं, सामने वाले को मिल चुके हैं वो सेंट आइटम्स पाते हैं। ट्रैश होता है जिसमें डिलीट किए हुए ईमेल होते हैं। कंपोज यानी कि पत्र लिखना। सीसी यानी कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का इस्तेमाल कब होता है, जब हम लोग किसी पत्र की प्रतिलिपि किसी और को भेजना चाहते हैं। जैसे हम लोग एक पत्र भेज रहे हैं मिस्टर एबीसी को लेकिन एक प्रति इसकी एक्सवाईजेड को भी जानी है तो सीसी में एक्सवाईजेड का ईमेल आईडी लिख दीजिए तो पत्र की प्रतिलिपि जो है वो एक अन्य व्यक्ति को मिल जाएगी। बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी पत्र की प्रतिलिपि की सूचना
मिल जाएगी कि पत्र भेजा जा चुका है। अटैचमेंट यानी पत्र के साथ डॉक्यूमेंट संलग्न करना, यहाँ पे अटैचमेंट का बटन होता है, इस पर क्लिक करके आप फाइल्स इसमें संलग्न कर सकते हैं। साइन इन का मतलब होता है ईमेल अकाउंट में प्रवेश करना। ईमेल अकाउंट में प्रवेश करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है। और साइन आउट करने का मतलब है ईमेल अकाउंट से सुरक्षित बाहर आना, यानी कि अब आपका ईमेल कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, साइन इन और साइन आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लेकिन इन दोनों को यूज करने के लिए, साइन इन करने के लिए आपको पहले से रजिस्टर होना जरूरी है। ठीक है, उसको बोलते हैं साइन अप। साइन अप करना बहुत जरूरी है, यानी अकाउंट बनाना। अब ईमेल सेवा देने वाली कुछ वेबसाइट के उदाहरण देख लेते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली जीमेल, याहू। याहू की सर्विसेज आजकल हालांकि थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन एक जमाने में बहुत ही पॉपुलर था। हॉटमेल, हॉटमेल जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट था एक जमाने में। रेडिफ मेल, यैंडेक्स, प्रोटॉन मेल, ये सारे के सारे बहुत ही पॉपुलर ईमेल सेवाएं जो हैं वो हैं। तो ये था ईमेल के बारे में। ईमेल के बारे में वैसे तो अधिकतर लोगों को मालूम होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपको ईमेल को जानना जरूरी था, इसकी शब्दावली को जानना जरूरी है। यदि आपको इस लेसन से कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर लिख दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।